नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का 133वां जन्मोत्सव भारतीय दलित पैंथर उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में छोटे पार्क मैक्रावर्टगंज में हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर बाबा साहेब को पुष्पमाला तथा गत गौतम बुद्ध को पुष्प अर्पित कर त्रिशरण तथा पंचशील का पाठ किया गया। इसके उपरांत डॉक्टर अंबेडकर के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। हजारों की संख्या में उमड़े भीम दीवाने जय 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 भीम जय भीम और संविधान पर आंच लगी तो खून बहेगा सड़कों पर बाबा साहेब के वास्ते खाली कर दो रास्ते आदि जोशीले नारे लगा रहे थे। बाबा साहेब की याद में उमड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए भारतीय दलित पैंथर के प्रांतीय अध्यक्ष पैंथर धनीराम बौद्ध ने अपने संबोधन में कहा कि दलित जन आज बाबा साहेब के विचारों से ओतप्रोत हो सोते से जाग चुके हैं। वो बाबा साहेब के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर है। यदि बाबा साहेब अम्बेडकर ने उन्हें स्वाभिमान और सम्मान से जीने की राह दिखाई है, डॉक्टर बाबा साहेब ने शिक्षा संगठन और संघर्ष का रास्ता दिखाया है और डॉक्टर बाबा साहेब ने इन्हें डॉक्टर अध्यापक प्रशासनिक अधिकारी बाबू इंजीनियर एडवोकेट सांसद विधायक मिनिस्टर बनाकर सुखमय जीवन जीने का संविधान रचा है, तो आज तक ये सब डॉक्टर बाबा साहेब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं आगे आने को संकल्पित है। जयंती के अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाइयां देता हूं। का दिन वास्तव में भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस है। अभी बाबा साहेब अम्बेडकर की उनके विचार की उतनी ही प्रासंगिकता है। हम सभी को चाहिए कि हम उनके बताए गए मार्ग पर आगे चलें और समाज की और देश की उन्नति में अपनी सहभागिता दें। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। धन्यवाद। आज बाबा साहब का जन्मदिवस यहाँ मनाया जा रहा है और इसको पूरे संपूर्ण प्रदेश में, संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में बाबा साहब का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। और हम लोग जो है ये अंबेडकर माह है, पूरे अप्रैल और पूरे मई में बाबा साहब का अप्रैल माह रहता है और बाबा साहब के जन्मदिन पर सभी को लाख लाख बधाई। मुख्य अतिथि के रूप में बंदे करुणाकर जी आए हैं और बीपी योगदंड जी आए हैं और हमारे तमाम अतिथिगण यहाँ पे आ चुके हैं। भाईचारा रहे, सब लोग एकजुट रहे और भारत के संविधान को बचाने के लिए अगर उनको खून की, अपना खून का एक एक कतरा देना पड़े तो खून के कतरे के देने की जरूरत है।